आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं दिल्ली के आईटीओ के मेट्रो गेट नंबर 2 पर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता, और इस दौरान हमारे संवाददाता रमेश सिंह ने विरोध कर रहे लोगों से बातचीत की है। क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, सुनिए आप। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आईटीओ के पास निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं महारैली का। हमारे साथ मैम, क्या है पूरा आज विरोध प्रदर्शन की जगह पंपलेट बांट रहे हैं? एक्चुअली हम सब रोड्स पे इसलिए आए हैं क्योंकि हम जो नेता काम कर रहा है उनको तो जेल में डाल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सच को दबा के छुपा के तोड़ मरोड़ के हमारे केजरीवाल जी पे डाल रहे हैं। हम काम करने वाले हैं, आंदोलन से निकली पार्टी है। अगर उनको करप्शन ही करना था वो एज ए ऑफिसर भी कर सकते थे, करप्ट हो सकते थे, किसी को पता भी नहीं पड़ता था। उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप है 100 करोड़ का। ये सब भ्रष्टाचार सब पार्टी करती है, उन्हीं को उसको क्यों लिया हुआ है, उन्हीं को इशू क्यों बनाया हुआ है? बीजेपी में कम भ्रष्टाचार है, उनके क्यों नहीं पोल खोलते हैं, उनको नहीं जेल क्यों नहीं डालते हैं? ये केजरीवाल ही है क्या? अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, अगर किया है तो बार बार ये विपक्ष के बारे में बताना कि हम पे जांच डाला गया वो एक अलग बात होती है। आपने कुछ नहीं किया, आपको नहीं डरना है। आपने किया तो वो डर अंदर में है कि अब ये होगा, अगली कार्रवाई क्या होगी, ये डर मन में बैठा रहता है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है अगर आपने कुछ नहीं किया है तो। सबसे बड़ी बात यह है कि 31 मार्च को जो महारैली है उसकी तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे पर्चे बांट के कर रहे हैं। देखना होगा कि 31 तारीख की महारैली किस तरह से आम आदमी पार्टी करती है। कैमरामैन आलोक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।